नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच में जाएगी। उसमें जो है बिहार में उसके दो नए जिलों को जोड़ा गया। हम इसके बारे में आगे पूरा विस्तार से जानेंगे। बिहार में एक्सप्रेसवे और सड़कों को लेकर बिहार सरकार की तरफ से लगातार अपडेट साझा किया जा रहा है। बता दें कि बिहार सरकार पुल निर्माण और सड़क निर्माण की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। बता दें कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को प्रदेश के 11 जिलों से गुजरने की बात कही जा रही है। बता दें कि वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे में कुल 9 जिले जुड़े हुए थे, लेकिन अब इसमें 2 जिलों को जोड़ा गया है, उसका इजाफा हुआ है, जिसके बाद से यह बात कहा जा रहा है कि बिहार में अब एक्सप्रेसवे 11 जिलों से होकर गुजरेगी। जिन जिलों से होकर एक्सप्रेसवे गुजरेगी उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज और किशनगंज जिले शामिल हैं। लेकिन अब इसमें जो नया जिला जुड़ा है वो है मधेपुरा और सहरसा को जो है इस एक्सप्रेसवे के तहत जोड़ा गया है। हालांकि बिहार सरकार ने जो है अभी इसकी मांग जो है केंद्र के सामने रखी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पिछले दिनों बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मुलाकात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हुई, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री ने अपनी बात केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। हालांकि इस दौरान नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को लेकर फिलहाल डीपीआर तैयार किया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने का समय जो है वो 2025 निर्धारित किया गया है। आपको यह भी बता दें कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाने वाली एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से बिहार होकर जाएगी। इस दौरान यह है जिन प्रदेशों से होकर गुजरेगी, बता दें कि इसका कुल जो दूरी होगा वो 600 किलोमीटर है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा बिहार से होकर गुजरने वाला है। बता दें कि बिहार में यह 416 किलोमीटर की यात्रा जो है, आप बिहार में जब आप इस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे तो बिहार में 416 किलोमीटर की यात्रा आप करेंगे। बता दें कि यदि मधेपुरा और सहरसा जिले से होकर जो है अब केंद्र सरकार के पास जो है इसके लिए मंजूरी भेजी गई है, ताकि आप मधेपुरा और सहरसा को भी इसके तहत जोड़ा जा सके। इसके अलाइनमेंट में जो है थोड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश को लोगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि कोलकाता और दिल्ली की तरफ से आने जाने वाले लोगों को भी इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे में पुरानी सड़कों को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि पूरी जितनी भी सड़कें होंगी वो एकदम से नई होंगी। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए बिहार पहुंचेगी। इसके बाद से सिलीगुड़ी तक यह जाएगी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली आना जाना आसान होगा। इधर बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल जाना आसान हो जाएगा। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बंगाल और दिल्ली के बीच में सफ़र बहुत ही आसान होगा। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच में कोई भी ऐसी सीधी सड़क नहीं है जिससे कि लोग जो है आसानी से बंगाल, सीधा उत्तर प्रदेश से बंगाल पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब जो है ये गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो नया प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है, जिसकी दूरी 600 किलोमीटर है, उसके बाद से लोगों को जो है आसानी से वो एक सीधी सड़क के माध्यम से जो है एक्सप्रेसवे के माध्यम से वो जो है बंगाल, सीधा उत्तर प्रदेश से पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से व्यापार के जो है एक नए द्वार खुलेंगे। खासकर बिहार के लिए यह काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। बिहार में इन दिनों उद्योग को लेकर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के जुड़ जाने के बाद से कहा जा रहा है कि उद्योग को बिहार में बढ़ावा मिलेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।